कि अगर हम लोग फैक्टर्स ऑफ सिक्स देखें तो सिक्स का फैक्टर 1, 2, 3 एंड 6 है। इनमें खूबी यह है कि किसी भी फैक्टर से अगर हम लोग 6 को डिवाइड देंगे तो हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या आता है, 0 आता है। यानी फैक्टर की एक खूबी होती है कि किसी भी नंबर का जो भी फैक्टर यहाँ पे लिया जाएगा अगर उससे हम डिवीजन का प्रोसेस करेंगे तो रिमाइंडर हर हालत में क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, अब यानी इसका मतलब ये हुआ कि रिमाइंडर का 0 आना यह बात को दिखाता है कि 2 फैक्टर है। चलो इसको चेक करते हैं। हमें जानना ये है कि इज 5 अ फैक्टर ऑफ 21, तो इसके लिए हम 5 से 21 में डिवाइड दे देते हैं, 5 × 20, रिमाइंडर हमारा 1 आया। रिमाइंडर का 1 आना ये बतलाता है कि 5 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 21। इससे एक बात क्लियर होता है कि किसी भी चीज़ को फैक्टर होने के लिए रिमाइंडर का 0 आना बहुत ज़रूरी है। तो इस क्रम में रिमाइंडर जो और है, अगर यही रिमाइंडर 0 के बराबर हो जाए तो यह हमें इस बात को रिप्रेजेंट करेगा कि रिमाइंडर का 0 होना इस बात को बतलाएगा कि जिस चीज़ से डिवाइड दिया जा रहा था वो वाला पार्ट जो है, यानी कि x माइनस ए मस्ट बी ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं फैक्टर थ्योरम। एग्जाम्पल के तौर पर हम चेक करते हैं कि फैक्टर है या नहीं है। क्वेश्चन इज x-1 अ फैक्टर ऑफ px = 2x² - 5x+3। हमें चेक करना है कि x-1 एक फैक्टर है या नहीं। तो नियम के अनुसार इसमें रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। अगर इससे डिवाइड देने पर हमारा रिमाइंडर 0 आ गया तो फैक्टर होगा, नहीं तो फैक्टर नहीं होगा। चलो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हैं। लेट x-1 = 0, कंप्लाई दैट x = 1। नाउ px = 2x² - 5x+3, कंप्लाई दैट p और x की जगह पर हमें 1 लेना है, तो 2 × 1² - 5 × 1+3। इसमें कितना आएगा, आ जाएगा 2 - 5+3 और ये 5 - 5 = 0। देखिए रिमाइंडर हमारा क्या आया, 0 आया। रिमाइंडर का 0 आना हमें यह बतलाता है कि x-1 इज फैक्टर ऑफ 2x² - 5x+3। अगर यहाँ पे 0 नहीं आता तो पता लगता ये फैक्टर नहीं है। इसी को हम लोग फैक्टर थ्योरम कहते हैं। यानी सीधी सी बात है कि रिमाइंडर थ्योरम में रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ भी आ सकता है, लेकिन अगर उसी थ्योरम में हमारा रिमाइंडर 0 चला आए तो वह थ्योरम को हम लोग फैक्टर थ्योरम बोलते हैं।